अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। और हम इस सेशन में सीखने वाले हैं कैमरा रॉ फिल्टर। ये फोटोशॉप का एक फीचर है और इस फीचर को हम यूज़ करते हैं अपनी फ़ोटो एडिटिंग के लिए। फ़ोटो एडिटिंग यानी मुझे अपनी फ़ोटो को ग्लो करना है, अपनी फ़ोटो को सिनेमेटिक फ़ोटो बनानी है या फ़ोटो ग्लो करनी है या कोई विंटर इफ़ेक्ट देना हो उसके अंदर, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप का फीचर कैमरा रॉ फिल्टर। कैमरा रॉ फिल्टर आपको 2018 के बाद के वर्जन में मिलेगा, ठीक है। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ 2021 है और इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक लेयर है और इस लेयर को मैं डुप्लीकेट कर दूँगा। इसलिए डुप्लीकेट करूँगा कि जब मेरी एडिटिंग हो जाएगी तो मैं इसमें आपको बिफोर एंड आफ्टर करके दिखा सकता हूँ। तो मैंने बैकग्राउंड लेयर को हाइड किया और इसके ऊपर हम कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करेंगे। बहुत इजी ट्यूटोरियल है ये, तो आप जल्दी सीख जाएंगे इसको। मैं जाता हूँ सबसे पहले फ़िल्टर में और फिल्टर में आपको ऑप्शन दिखेगा कैमरा रॉ फिल्टर। इसकी शॉर्ट कमांड है शिफ्ट कंट्रोल ए। आप शॉर्ट कमांड के ज़रिए भी इस विंडो को ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज फ़िल्टर में आके यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने तो देख रहे हैं ये जो एरिया है ये है प्रीव्यू। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो को व्यू कर सकते हैं और यहाँ पर सारे फीचर्स इसके आ रहे हैं एडिटिंग के। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक से। तो मैंने बेसिक को टॉप डाउन में गया और यहाँ पे आप देखें टेम्परेचर आ रहा है, नीचे टेंट आ रहा है। टेम्परेचर वेदर के हिसाब से, अगर आपको वेदर रखना है इसका तो आप वेदर इसका सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको फिलहाल थोड़ा सा विंटर किया। उसके बाद नीचे आ रहा है एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, वाइट एंड ब्लैक। देखें ये साथ साथ यहाँ पे आपको टिप भी दे रहा है, जिस फीचर पे आप माउस लेके जाएंगे वहाँ पे आपको टिप भी देगा। इसमें कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि एक्सपोजर आप 100% रखें या 50% रखें, 30 पिक्सल रखें, नहीं। आपको अपनी फ़ोटो के हिसाब से खुद एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसमें। तो मैं एक्सपोजर इसका थोड़ा सा डल करता हूँ और कंट्रास्ट जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को लाइट डार्क करता है। तो आप कंट्रास्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपकी कुछ ज़्यादा डार्क फोटो है तो आप उसको कंट्रास्ट की मदद से लाइट कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा लाइट है हाईलाइट हुई भी तो आप उसको डार्क कर सकते हैं। तो देखें मैं इसको नॉर्मल करूँगा और हाईलाइट जो है जैसे फेस पे होता है, बैकग्राउंड पे आ रहा है, लाइट आ रही है इसके ऊपर बेसिकली, उस लाइट को डिम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप जितना आपको रखना है, मैं फ़िलहाल इसको रखता हूँ -20 और शेडो एज इट इज रहेगा, वाइट एंड ब्लैक एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो हाईलाइट और कंट्रास्ट में मेरा कवर हो चुका है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये भी लाइट डार्क करता है फ़ोटो को, वाइट दोनों चीज़ें और ये भी ब्लैक भी, ठीक है। फिलहाल मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि मेरा हाईलाइट और कंट्रास्ट में सेट हो गया ऑलरेडी। उसके बाद टेक्स्चर और क्लियरिटी। क्लियरिटी और टेक्स्चर दोनों सेम चीज़ है, बट होता यह है कि फ़ोटो को आपको अगर शार्प करना हो तो आप टेक्स्चर क्लियरिटी की मदद से कर सकते हैं, और अगर स्मूथ करना हो तब भी आप इन दो फीचर से कर सकते हैं। तो करेगा क्या कि मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो मेरी फ़ोटो जो है अभी देखें शार्प दिख रहे हैं, यानी कि डॉट 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 आपको इस एरिया में दिख रहे होंगे। अगर आपको इसको स्मूथ करना है तो आप टेक्स्चर क्लियरिटी की मदद से कर सकते हैं। ये देखें स्मूथ हो रहा है, फर्क दिख रहा होगा आपको। अगर आपने टेक्स्चर फुल कर दिया उसके बावजूद और आपको स्मूथ करना है इसको, तो आप क्लियरिटी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं करते कि हमारी नोज और चिन जो है वो मिक्स हो जाए। तो मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ दोनों को, क्लियरिटी को फ़िलहाल यूज़ नहीं करता और टेक्स्चर को मैं नॉर्मल रख दूँगा, थोड़ा शार्प करूँगा मैं, +20 इनफ है। उसके बाद वाइब्रेंस सेचुरेशन, ये क्या करता है, जो ऑलरेडी आपका कलर हुआ है जहाँ का कलर जैसा है, यानी कि येलो दिख रहा है इधर, इधर ब्राउन है, पीछे लाइट ब्राउन हॉफ वाइट कलर मिक्स है, तो उन्हीं कलर को और डार्क कर देता है। लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, ये देखें अगर आप देखें तो। क्यों यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इसके एडवांस फीचर हमें अभी आगे मिलेंगे नीचे की साइड पर, तो मैं यहाँ से ये दो ऑप्शन को यूज़ नहीं करूँगा। उसके बाद बात कर लेता हूँ कर्व की। मैं इसको पहले माइनस करता हूँ और कर्व की बात करूँ तो आपको भी यहाँ पे हाईलाइट, लाइट, डार्क, शेडो
यहाँ से भी आप कर सकते हैं अगर यहाँ पे बेसिक में आपको कम मिले ऑप्शंस, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर दिया तो मैं नीचे कर्व से आके सेटिंग नहीं करूँगा। उसके बाद डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में आपको दिख रहा है शार्पनिंग, नॉइस रिड्यूसिंग, कलर नॉइस रिड्यूसिंग, ये करता है शार्पिंग जो है, जो मैंने अभी आपको बताया टेक्सचर क्लियरिटी के अंदर स्मूथ करता है और शार्प करता है, यानी कि डॉट डॉट ऐड कर देता है उसके अंदर। तो अगर आपकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा स्मूथ हुई भी, ऑलरेडी हुई हुई फ़ोटो, आपको उसको शार्प करना है तो आप यहाँ से आके शार्प कर सकते हैं, लेकिन मेरी ऑलरेडी जो है हाई रेजोल्यूशन पर है फ़ोटो, तो मैं नहीं करूँगा। और नॉइस ये होती है कि आपकी फ़ोटो के अगर पिक्सल्स डैमेज हुए हैं, पिक्सलेट हुए हैं, या डॉट 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 उस फोटोज़ के अंदर आ रहे होते हैं, ज़्यादातर डार्क फोटो में आ जाते हैं कि हम अगर अंधेरे में फ़ोटो क्लिक कर लें तो उसके अंदर भी नॉर्मल डॉट डॉट आते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, डिटेल को भी ऑफ किया। कलर मिक्सचर, कलर मिक्सचर जो है आप देखें यहाँ पे HSL, ह्यू सैचुरेशन ल्यूमिनेंस ऑल। ठीक है, ह्यू क्या करेगा, आपको इसने कलर्स दे दिया है, रेड्स, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, एक्वास, ब्लूज, पर्पल, मैजेंटा। अगर आपके पास ये सारे कलर्स आपकी फ़ोटो में हैं तो उन फोटो को ये डार्क कर देता है। मैं दिखाता हूँ जूम करके, जैसे आपको फेस कलर दिख रहा है, ये इस वक्त जो है लाइट ऑरेंज टाइप का शेड आ रहा है, यानी कि यहाँ पे देखें, यहाँ देखें जो इसके अंदर भी दिया हुआ है, और येलो भी दिया हुआ है, और रेड भी, तीनों कलर इसके अंदर मिक्स है। मैं ऑरेंज को अगर करता हूँ तो देखें ये क्या कर रहा है, उन्हीं कलर को रिप्लेस कर रहा है और डार्क कर देता है या लाइट कर देता है। तो आप इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। लाइक मेरे पास बैकग्राउंड पे गार्डन है, ट्रीज है, तो ट्रीज जो है उसके अंदर ग्रीन आपको दिखेंगे, आप चाहते हैं उस ग्रीन को ब्राउन करना, तो यहाँ पे जो फीचर दिए हैं मैं ग्रीन का और एक्वास का और येलो, इन तीनों कलर्स का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटो को ग्लो करने के लिए। उसके बाद जैकेट जो है ये ब्राउन है इस वक्त, तो मैं यहाँ से ऑरेंज के अंदर मुझे दिख रहा है तो मैं देख लेता हूँ, देखें ये हो रहा है। ठीक है, उसके मैंने माइनस किया। फिर नीचे पर्पस ब्लू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्काई होता इसमें या कोई और ब्लू कलर होता तो मैं यहाँ से आके इसको कर सकता था, अदरवाइज अभी रहने देते हैं। फिर हम यूज़ करते हैं अपनी नॉर्मल फ़ोटो के लिए इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट के अंदर ग्रेन, ग्रेन और बिगिनेटिंग जो है ये क्या करता है कि आपकी जो बॉर्डर्स हैं, यानी कि ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, ये फोर के फोर कॉर्नर्स को या तो वाइट कर सकता है या ब्लैक कर सकता है, जो भी सूटेबल है आपकी फ़ोटो के लिए। तो मैं जो हूँ इस वक्त अपनी फ़ोटो को साइटों से ब्लैक करूँगा, तो मैंने आके यहाँ पे रख दिया ब्लैक विगिनेटिंग की मदद से। और राइट, फिर इफेक्ट का काम भी ख़त्म। और लास्ट में एक ऑप्शन बचा है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन बहुत ज़्यादा सिनेमेटिक फ़ोटो अगर बनानी है, आपको ब्लू शेड देना है, तो आप कैलिब्रेशन की मदद से कर सकते हैं। तो सिनेमेटिक जो कलर होता है वो ज़्यादातर ब्लू होता है, अगर आप देखें तो मूवीज़ के अंदर भी ब्लू कलर दिया जाता है, तो आप अपनी फ़ोटो को भी ब्लू कर सकते हैं। ब्लू कैसे, ब्लू प्राइमरी पर आए और यहाँ से इसको कर दें थोड़ा सा डल और सैचुरेशन को बढ़ा दीजिए, तो आपका जो है सिनेमेटिक लुक बन जाएगा। उसके बाद मैंने इसको किया डन, देखिए ये लोड हो रही है, कैमरा रॉ फिल्टर, और यहाँ पे आके अप्लाई हो चुका। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, देखें दोनों में आपको फ़र्क पता चल जाएगा, आप इसको हाइड एंड हाइड करके देख सकते हैं, प्रॉपर एक सिनेमेटिक लुक बन चुका है जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। और ये मैं ये फ़ोटो अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।